अबे ये कौन सा आसन लगा रहे हो बे? अबे जमीन पे कौन सी धूल चाट रहे हो तुम लोग? मम्मो मेरी जान, किसने की ये हालत? अब वो कहाँ गया वो गधा प्रसाद? गुस्सा ना हो ना भाईजान, वो गधा भाग गया। ना, नहीं बेटे, मैं गुस्सा नहीं हो रहा मैं। अबे बता तो सही कब भागा? अभी थोड़ी देर पहले। के कैसे भागा? ऐसे। अबे दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2-3 बजे गाड़ी आ जाएगी स्टेशन पे, क्या करूंगा? देख रही है मेरी जान कैसे कैसे के पाल लिए मैंने? के कुत्ते कामचोर। पर मेरे को पता है वो गधा प्रसाद कहाँ पे जाएगा, वो जरूर स्टेशन जाएगा, स्टेशन छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम सही कह रहे हो कन्नू, पर उससे पहले हमको पहुंचना पड़ेगा स्टेशन और वहाँ बम लगा के जरूर निकलना पड़ेगा। लेकिन कन्नू, हमारे वहाँ जाने से पहले अगर गधा प्रसाद ने चिड़िया घर में फोन करके सब बता दिया तो? कसम कानपुर की मम्मो मेरी जान, शकल से नहीं तू तो अकल से भी टनाडन है वे। हेलो बाबूजी, बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। अबे गधे, अबे क्या बकवास कर रहा है, कैसी गलती हो गई? बाबूजी हमने ना वो घोटक भैया का टिफिन जो था ना राजमा चावल वाला, वो बदल कर बम वाला रख दिया, बम वाला। अभी क्या बकवास कर रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो जो है ना कन्नू कानपुरी और बलवान भैया, उन्होंने हमसे ये काम करवाया पैसे दे के। गलती हो गई बाबूजी, अब हम आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अबे तू 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 पहले ये बता के तू कहाँ से बोल रहा है और ये फोन किसका है? भैया मत मारो, भैया मत मारो कन्नू भैया। अबे कैसा लगा मेरे परफॉर्मेंस का लेवल? अरे मेरी जान, चलो स्टेशन। क्या हुआ बाबूजी? कस्टमर क्या कर रहा था कदा? कस्टमर कहाँ है वो कस्टमर? हाँ बाबूजी कुछ तो बोलिए ना, डरते डरते ही बोलिए। बेटा मेरी समझ में खुद कुछ आए तो मैं बताऊँ ना। कह रहा था कि उसने कन्नू कानपुरी और बलवान के कहने पर ये काम किया था। कन्नू कन्नू कानपुरी, वो गधे का खतरनाक हमशक्ल। मुझे गधा प्रसाद की बात पर यकीन नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि मेरा गधा ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन बाबूजी, इस छत से टिफिन का मिलना इस बात का सबूत है कि ये काम गधा भैया ने किया है डरते डरते। हाँ बात तो तेरी भी सही है। हेलो कौन? बाबूजी हम बोल रहे हम ही। बाबूजी हमारे पास फोन करने के लिए पैसे नहीं है, बड़े मुश्किल से भिखारी चाचा से 1 रुपया उधार लिया है। अबे तू बाबूजी, वो जो घोटक भैया का टिफिन ना कन्नू कानपुरी ने बदला था, हाँ, और वो जो है ना बलवान भैया वो भी मिले हुए हैं उससे, और बाबूजी वो 3 बजे दूसरा बम फोड़ने वाले रेलवे स्टेशन पे, हम वहीं पे जा रहे हैं, जल्दी से आप भी आ जाओ। ठीक है हरिओ। हेलो भालो बाबूजी, भालो क्या हुआ बाबूजी? अब कौन था कस्टमर? कह तो रहा था कि गधा बोल रहा है, लेकिन बाबूजी उसने दूसरी बार फोन क्यों किया? उसे जहाँ तक मुझे लगता है ये दोनों फोन तो गधे के नहीं थे। तो किसके थे कस्टमर? एक फोन गधा प्रसाद का था और दूसरा वो उस कन्नू कानपुरी का। हे भगवान बाबूजी, लेकिन कौन सा फोन गधा भैया का था और कौन सा फोन कन्नू का था डरते डरते? पता नहीं बेटा, इस बात का पता तो स्टेशन जाके ही लगेगा। स्टेशन पे? वो ये भी कह रहा था कि शायद स्टेशन पे दूसरा ब्लास्ट होने वाला है। हाँ क्या? बाबूजी हमें जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचना होगा,
मेरे रहते मेरे स्टेशन पे एक दाग लग चुका है, अब मैं दूसरा दाग नहीं लगने दूंगा। हम बात तो सही है। चलिए बाबूजी, चलिए जी, हमें लगता है गधा जी की जान खतरे में, हम भी चलेंगे आपके साथ में। ठीक है बेटा, तुम भी चलो। बाबूजी नहीं बेटा, तू और मयूरी तुम दोनों घर पे रह के बच्चों का ख्याल रखो बेटा। भगवान अगर ऐसे ही मेरे साथ काम करता रहेगा तो मेरी तरह के बन जाएगा, के काबिलो कामयाब के नहीं मेरी जान। सुन बे, जैसे बम फटेगा हम मिलेंगे पुराने पुल के नीचे और तुम सब लोगों को ऑटो में बिठा के ले जाऊंगा, रेडी रहना बे। एक ऑटो में 6 सवारी कैसे आएंगे? बेवकूफ, ये काम पाकी लोग तो हैं, है? लेकिन भैया तो दो के बराबर है ना, है भैया? अगर बाद में मारियो पहले बम तो दे दे। हाय हाय, इस बूम पे सदके जाऊं। अबे यहाँ वहाँ क्या दिख रहा है, आज भीड़ नहीं है स्टेशन पे, पब्लिक नहीं है स्टेशन पे। अबे ऐसे ही डरेगा तो कैसे काम करेगा मेरे साथ? जरा बम तो दे। ये 3 बजे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, जरा 3:10 का टाइमर तो लगा दे। अम्मा मेरी जान, अब मैं इसको अपने अंदर छुपा लूंगा। ऐसा लग रहा हूँ मेरी जान, अब जरा मेरी वॉक तो देख। एक मिनट। अबे जाते को टोका नहीं करते, अबे यहाँ को टांग। संभाल कर जाना। संभाल कर जाऊंगा मेरी जान। अरे आई लव यू टू, भाभी का ध्यान रखियो बे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली धौलपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। अरे सबका समय से चल लिया गुरु, हम नहीं जाते एकदम टनाटने। रुको, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? हमारा नाम गधा प्रसाद है चाचा। कौन गधा प्रसाद? हमको नहीं जानते, वो जो है ना हमारे भैया घोटक भैया टीसी, उनके छोटे भाई है, बहुत प्यार करते हमसे छोटे भाई की तरह। अच्छा, तो इस बम कांड के मुख्य आरोपी को जानते हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा हमारे घोटक भैया ऐसे नहीं है, उन पे झूठा इल्जाम लगाया है लोगों ने, बहुत दुखी है हमारे घोटक भैया, उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहे हैं धौलपुर एक्सप्रेस से। ये देखो हमारी टिकट। अब ऐसे लोगों से रिश्ता रखोगे तो ये तो होगा ही। कमांडो तलाशी लो इसकी। हाँ हाँ भैया, ठीक से तलाशी लेना, सब चेक कर लो। चाचा आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। एक मिनट भैया, ये हमारे बाबूजी है, बाबूजी हमारे भगवान जी, इन्हें इस तरह जमीन पे मत रखो, इनको हमको दे दो, हम अपने दिल से लगा के रखेंगे।
हमारे प्यारे बाबूजी। सुनो बैग को बंद कर दो, अच्छे आदमी जा। अबे दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऑलवेज हिट। अंदर से बाहर कब गया और तेरा सामान किधर है? चाचा हम तो गधा प्रसाद हैं, गधा प्रसाद। अरे मालूम है वही गधा प्रसाद हो ना जिसे यहाँ के किसी घोटक नारायण छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। अरे बा चाचा बा, आपका जी के तो एकदम टनाटन है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं बेटे कि तेरा सामान किधर है। हमारा सामान? चाचा हम कहीं जा थोड़े ही रहे जो सामान लाएंगे। और जब तक हमारे घोटक भैया के सर से ये झूठा इल्जाम नहीं हटेगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हमको हमारे बाबूजी की कसम। अरे अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था ना कि तुम ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने कहाँ जा रहे हो। हमने कब कहा चाचा आपसे? हमने तो राम चाचा वो हम नहीं थे, वो हमारी शक्ल का हम शक्ल था, कॉपी टू कॉपी। कन्नू कानपुरी चाचा वो यहाँ पे ना बम फोड़ने आया, बम फोड़ने। क्या? हाँ तुम्हारी शक्ल का हम शक्ल? हाँ बम फोड़ने के लिए। हाँ कमांडो। यस सर। ट्रेन पूरी खाली करवा दो, जल्दी करा दो। और सारे पैसेंजर्स को इक्विट करके स्टेशन से बाहर ले जाओ जल्दी। हाँ। बकवास बंद कर और सच सच बता बम कहाँ रखा हुआ है। चल हाथ उठा। आई एम सॉरी चाचा, ये हाथ ऊपर उठ नहीं पाएंगे। लगता है तूने इन बाजुओं के नीचे बम को छुपा रखा है। मैं कहता हूँ हाथ उठा वरना गोली मार दूंगा। राम गोली? हाँ। ए!
कानपुरी पकड़ लो पकड़ लो। कन्नू कानपुरी? कमांडर पकड़ो उसे। कन्नू कानपुरी फिर से? पिछली बार भी इस डबल रोल की वजह से चिड़ियाघर में बहुत टेंशन हुई थी। पुलिस वाले चाचा हम गधा प्रसाद हैं। बाबूजी आप ही बताइए ना इनको। नहीं नहीं बाबूजी हमें आपके गधा प्रसाद। हाँ वही देखो कन्नू कानपुरी झूठ बोलना हमारे चिड़िया घर के संस्कार नहीं है, है ना भाभी? बाबूजी ब्रैकेट क्लोज। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन कन्नू है कौन गधा प्रसाद। डॉट डॉट डॉट। बात तो तेरी सही है इंस्पेक्टर साहब, आपकी नजरों में इस वक्त मैं एक मुजरिम ही सही, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ये स्टेशन मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है और शायद यहाँ और एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। हमें बॉम्ब ढूंढना होगा इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। Yes. You are right, Mr. Ghotak. Commander, train का हर एक डिब्बा चेक करो। बम जरूर किसी बोगी में ही होगा। Move, move, quick! जल्दी कराओ। गोमुख, कपी, या। इन दोनों में से जो भी कन्नू कानपुरी होगा, वो यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा। और यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पुराना पुल। तुम दोनों यहाँ से चुपके से खिसक लो। और पुराने पुल पहुँचो। सब बोगियां चेक कर ली सर, बम किसी बोगी में नहीं मिला। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब मुझे पता है कि इन दोनों में से कन्नू कानपुरी कौन है। अरे तो बाबूजी जल्दी बताइए ना कौन है। एक मिनट बाबूजी। बाबूजी 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 ये बाबूजी। मैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी चिड़िया की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे तीन गिनने तक अगर कन्नू कानपुरी ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? एक दो बाबूजी नहीं, नहीं बाबूजी। एक मिनट। मैं हूँ कन्नू कानपुरी में। हाँ मैं तो ड्रामा कर रहा था ड्रामा। इंस्पेक्टर साहब हमको पकड़ लो ले चलो जल्दी जल्दी कर लो। इंस्पेक्टर साहब यही असली कन्नू कानपुरी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मुझे मालूम था मेरी जान खतरे में देखकर भी गधा प्रसाद ही है जो अपनी जान खतरे में डाल सकता है। बाबी बाबी क्या प्लान था? गिरफ्तार कीजिए इसे। बाबी हरियो हरियो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.